कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर बैंक ग्राहकों व बैंक के कर्मचारियों के लिए नई आकर्षक योजनाएं लेकर आएगा। बैजनाथ आलमपुर जोन के बैंकों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में एनपीए बैंकों के लिए ग्लोबल समस्या है और गत कुछ समय में केसीसी बैंक ने इसे उभरने में सफलता हासिल की है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर बैंक ग्राहकों व बैंक के कर्मचारियों के लिए नई आकर्षक योजनाएं लेकर आएगा। बैजनाथ व आलमपुर जोन के बैंकों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में एनपीए बैंकों के लिए ग्लोबल समस्या है और गत कुछ समय में केसीसी बैंक ने इससे उभरने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि केसीसी बैंक ने अपने 1200 करोड़ के एनपीए में से करीब 300 करोड़ की उगाही करने में सफलता हासिल की है। बैंक ने इससे पार पाने के लिए अपने ग्राहकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की और ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 4 माह में 5 दर्जन मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटी सी राशि से शुरू हुई बैंक वर्तमान में 800 करोड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बैंक के 18 जोन में समय समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन करके बैंक में सुधार के लिए अधिकारियों की राय ली जाती है और आगामी बैठक में उनके परिणामों पर विचार किया जाता है। इन समीक्षा बैठकों के परिणाम सुखद रहे हैं और बैंक का हर कर्मचारी बैंक को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। पार्टी अध्यक्ष के लिए उनका नाम आने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अब तक जो भी कार्य उन्हें सौंपा है उसे उन्होंने प्रसाद समझकर ग्रहण किया है। इस मौके पर बैंक के एमडी विनय रविंद्र कुमार, राजन मेहता, अश्विनी आदि उपस्थित रहे। जो बैजनाथ और आलमपुर जोन की जो बैठक रखी थी उसमें ये जब से मैंने ये पद ग्रहण किया तो मैंने ये तय किया था कि हमारे कांगड़ा सिंधू कॉपरेटिव बैंक के 18 जोन हैं, सभी जोन्स में मैं पर्सनली जाकर जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं,